नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय और हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने है लेकिन आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया तो जाता है पर क्या हमने कभी सोचा कि कितना सही और कितना नहीं है। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ्स से हम उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे एक्सपर्ट। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। आप बासी रोटी खाने से कतराते हैं? बासी रोटी को नुकसानदायक समझते हैं? बासी रोटी से नहीं होता कोई नुकसान, मिल सकता है अच्छी सेहत का वरदान। से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। तो निश्चित तौर पर आज बासी रोटी की बात होगी। आपने शायद ही सोचा होगा कि बासी रोटी जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो सकती है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, सुधीर उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे क्या वाकई हमारी सेहत के लिए बासी रोटी खाना अच्छा होता है या फिर हानिकारक होता है। डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं या आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो लगातार नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपने सवाल कर सकते हैं, जल्दी से आप हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस नंबर पर आपको कॉल करना है। हमारे साथ लगातार डॉक्टर सुधीर उपाध्याय जुड़े हुए हैं जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट है और लगातार वो आपको जानकारी देंगे। आपको नंबर बता दें 01207153826। एक बार फिर से एक और नंबर आपको बताते हैं 01207153787। ये दो नंबर लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, आप जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। आपका जो भी सवाल है वो आप अपने हमसे पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट लगातार आपको जवाब देंगे। और इसके साथ ही आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको भी बासी रोटी पसंद नहीं है, अगर आपको बासी रोटी खाने से परहेज है तो ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद तय कीजिए कि क्या आपको बासी रोटी खानी चाहिए या फिर नहीं। अक्सर आपने लोगों को बासी खाना नहीं खाने की हिदायत देते सुना होगा। 12 घंटे से ज्यादा रखा हुआ बासी खाना खाने से फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी और पेट खराब होने की संभावना रहती है। यही वजह है कि बासी खाने को सेहत के लिए खराब माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर बासी खाना सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ खाने की चीजें ऐसी भी होती हैं जो बासी होने के बाद सेहत को ज्यादा फायदा पहुँचाती है, जिनमें से एक है गेहूँ। भारत के ज्यादातर घरों में गेहूं बनाई जाती है। इसके साथ ही ज्यादातर भारतीयों में जरूरत से ज्यादा खाना बनाने की आदत भी होती है, जिस वजह से अक्सर घरों में रोटियां बच जाती हैं। बची हुई रोटियां या तो फेंकनी पड़ती है या फिर किसी जानवर को खिलानी पड़ती है। लेकिन हम आपको बासी रोटी के ऐसे फायदों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप घर में बची हुई रोटी को फेंकने के बजाय खुद ही खाना पसंद करेंगे। अब हम आपको बताते हैं बासी रोटी खाने के फायदे। दूध के साथ बासी रोटी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बासी रोटी को 10 मिनट के लिए दूध में भिगो दें। सुबह के नाश्ते में दूध में भीगी हुई रोटी खाएं। ऐसा करने से जल्दी ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहने लगेगा। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर के 40 से ज्यादा हो जाने से ये हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूध में भीगी हुई बासी रोटी शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखने में काफी कारगर साबित होती है। जिन लोगों को लगातार पेट के दर्द की शिकायत रहती है उनके लिए बासी रोटी बेहद फायदेमंद होती है। रात को सोने से पहले दूध में भीगी हुई बासी रोटी खाने से कब्ज और गैस की समस्या दूर हो जाती है। डायबिटीज में बासी रोटी खाने से सेहत को काफी फायदा होता है। दिन में किसी भी समय बासी रोटी को 10 से 15 मिनट दूध में भिगोकर खाने से ब्लड शुगर का स्तर
नियंत्रण में रहता है। अब आपने बासी रोटी के इतने सारे फायदों के बारे में जान लिया है, तो अब से अगर आपके घर में भी रोटी बच जाए तो आप इन्हें बासी समझकर फेंकने की भूल कभी ना करिए, क्योंकि ये बासी रोटी खाना देगा आपको सेहत का खजाना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि बासी रोटी अक्सर ऐसा होता है, ये धारणा होती है कि ये बासी रोटी है, इसको खाना नहीं है, इसको फेंक देना है या किसी जानवर को देने हैं। तो रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि बासी रोटी आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक साबित होगी। इस बीच डॉक्टर सुधीर उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट हैं, जानकारी हमको देंगे। सर एक बार बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सर पहला मेरा सवाल यह है कि आमतौर पर यह धारणा होती है कि बासा खाना अगर हम खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेहत को नुकसान देता है, ऐसे में जब बात बासी रोटी की होती है तो लोग कहते हैं कि फायदेमंद होता है। आखिर कैसे हो सकता है कि बाकी का खाना नुकसान दे और सिर्फ रोटी फायदेमंद हो सकती है, इसका डिफरेंस समझाइए सर। बिल्कुल, आपने विषय बहुत अच्छा उठाया है और ये अपने बहुत आदिकाल से चला आ रहा है कि अपने बासी रोटी सुबह खाई जाती है नाश्ते के अंदर, और लेकिन उसमें अर्ध सत्य है ये। अगर उस रोटी को 10 घंटे से पहले पहले, और गर्मी के दिनों में तो 8 घंटे से पहले पहले अगर वो पकी हुई है तो वो फायदेमंद है। पर ये देखें, अगर वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 8-10 घंटे पुरानी रोटी है और वो हाइजीनिक है, हाइजीनिक मतलब शुद्धता है उसमें, जैसे अगर वो फ्रिज में रखी हुई है या हमारे बर्तनदान में रखी हुई है और वो बर्तनदान बंद है, ऐसा नहीं है उसे रात में खुली छोड़ दें और फिर सुबह उसको एकदम खुली को खा लें, तो उसमें बैक्टीरिया दूसरे नुकसान वाले आ सकते हैं। इसमें प्राकृतिक रूप से जो रोटी के अंदर और आटे के अंदर कीटाणु जो हमारे फायदेमंद हो सकते हैं वो इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, अगर वो शुद्ध रखी रहे हाइजीनिक स्पेस पे। फ्रिज में भी रखी हो सकती है, बर्तनदान में, पैक्ड बर्तनदान में, और बाहर भी रखी हो सकती है, लेकिन 10 या 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 घंटे के बाद उसमें खराब कीटाणु डेवलप हो जाते हैं। तो फायदेमंद तब साबित होगी जब उसमें आटे में, जैसे खमीर बनता है, हम खमीर खाते हैं हमारे फायदेमंद होता है, दही के अंदर खमीर बना हुआ है, आप कढ़ी खा रहे हैं उसके अंदर भी हुआ, जब बासी जितना दही होता जाएगा, खट्टा छाछ होती जाएगी, तो उसमें बहुत से फायदे हो जाते हैं, हमारी एसिडिटी वो दूर करता है। इसी तरह रोटी के अंदर है, रोटी में जब वो कीटाणु डेवलप हो जाते हैं और वो 8-10 घंटे के अंदर ही रखी है तो हमारे अंदर फायदेमंद होता है। और खासकर कई ऐसे फायदे हैं जो आपने बोले उसके अलावा भी नजर आ रहे हैं, जैसे कामकाजी आजकल पत्नी और स्त्री दोनों जो है, पति पत्नी कामकाजी है। जी सर, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सवाल क्या है और नाम बताइए। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमा राम है जी। सवाल पूछिए। हेलो हेलो सर, हाँ सर, बासी रोटी खाने से क्या फायदे हैं सर? हाँ भीमा राम जी बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर बालोतरा से। फायदे देखिए, अगर वो बासी रोटी है और आपने, हाँ बालोतरा से, अरे बालोतरा तो संतों की नगरी है, वहां पर संत रहते हैं बालोतरा में, तो बासी रोटी का ये फायदा है कि अगर आपने उसको खाया तो उसमें कीटाणु ऐसे डेवलप होते हैं, अगर आप उसमें दूध में भिगो के खाएंगे, दूध की तासीर और रोटी दोनों मिलकर काम करती है, अगर गर्म तो गुनगुना दूध में रखा है 10 मिनट अगर भिगो दिया तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि वो शुगर का लेवल डाउन रखता है। पर शर्त ये होनी चाहिए कि दूध मीठा नहीं हो, दूध में से मलाई उतरी हुई हो और रोटी भी चुपड़ी नहीं हो, अगर चुपड़ते हैं तो वो डायबिटीज वाला जो कॉम्बिनेशन है कि चिकनाई और मीठा वो खराब हो जाता है। तो बासी 8-10 घंटे पुरानी रोटी हो जो अच्छे हाइजीन स्पेस में रखी हुई हो, जगह में रखी हुई हो, और आपने उसे गर्म दूध में लिया है तो वो डायबिटीज के अंदर शुगर लेवल जो है उसको डाउन करता है। और एक फायदा हो रहा है, जिनका डायबिटीज का इलाज चल रहा है और वो सुबह उठते ही जल्दी बासी रोटी और ये दूध के साथ ले लेंगे, तो कई बार जब डोज एडजस्ट नहीं हो पाती तो दिन में दोपहर का तो उनका शुगर बढ़ जाता है, लेकिन सुबह खाली पेट ज्यादा देर रहने के कारण उनका शुगर डाउन होता है, तो वो शुगर भी मेंटेन रहता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है। और सुबह ही सुबह हमें जब वो बासी रोटी दूध के साथ मिल जाती है तो हमारा अम्ल एसिड जो रात में बनता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि उसका बिल्कुल सर, लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसिडिटी कम हो जाती है जी। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका, नाम बताइए और क्या सवाल है ये पूछिए। हेलो जी, क्या नाम है आपका और सवाल पूछिए। जी सुरेश कुमार नाम है मेरा। जी सुरेश जी, क्या सवाल है? हाँ बोलिए जी, मैं सीकर से बोल रहा हूँ जी। जी मेरे को पूछना था सर, हम लोग ये जो बासी रोटी रहती है 1-2 दिन तक की,
उसको हम सब्जी बना के खाते हैं, तो वो क्या नुकसान तो नहीं देगी ना जी। सर इनका सवाल ये है कि अक्सर हम भी कई बार ऐसे नहीं, जैसे मैंने अभी कहा गर्मी के दिनों में जी कई बार सर देखते हैं कि लोग नहीं, पर आपने दो तीन दिन के दिया है, दो तीन दिन के बाद अगर आपको बासी खोनी खानी है, हाँ वो सब्जी बना के अगर उसको आपने उबाल लिया है और गर्म कर लिया है, गर्म सब्जी बना के खा ली है, तो एक तरह से मान लिया जैसे पापड़, आप गुजरात के अंदर जानते हैं, गुजरात में महाराष्ट्र के अंदर वो रोटी को जो सूख के दिया जाता है वो सूखी रोटी महीनों चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे बिना गर्म करे आपने सब्जी बना ली, तो सब्जी बनने में फायदा ही हुआ कि उसके साथ आपने सब्जी तो है ही, साथ में रोटी जो आपकी दो दिन भले ही पुरानी थी वो बॉईल हो गई और उसमें जो बुरे कीटाणु थे वो खत्म हो गए और अच्छे उसमें मेंटेन रहे, तो हमारी एक तो फेंकते नहीं है, फेंकने से बच जाता है बिल्कुल, और वो नष्ट हो गए तो हमारे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपने अच्छा किया कि सब्जी में डाल के लिया, पर ये नहीं है कि आप उसको बासी रोटी की चर्चा हो रही है तो दो दिन पुरानी वैसे ही ले लें सब्जी। बिल्कुल सर, अगले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी हाँ हेलो जी पूछिए। हाँ नरपत सिंह जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी हेलो, आपकी आवाज हम तक आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतलब रोटी को वापस दूसरे तीसरे दिन उसको सुखा कर वापिस फेंकते है ना, उसमें सब्जी वगैरह डाल के फिर वो टुकड़ा बनाकर खाते हैं, उसको टुकड़ा कहते हैं जी, सब्जी के साथ चमक के खाते हैं उसको, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता है? सीकर में भी यही अभी, हाँ हाँ उसमें कोई दिक्कत, अगर आपने दो दिन पुरानी जैसे सब्जी में या दूध में डाल के ले ली, पर गर्म दूध में अगर उसको औटा लिया तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप केवल 10 मिनट दूध में रख रहे हैं जैसे पहले चर्चा हो चुकी है, तो वो 10 घंटे 12 घंटे पुरानी तो हो सकती है, पर 15 घंटे बाद पुरानी हो तो उसको केवल वैसे ही ना लें, अगर गर्म दूध में डाल के ले रहे हैं तो उसके बुरे कीटाणु खत्म हो जाएंगे और अच्छे कीटाणु जो दूध के साथ डेवलप होते हैं जी, तो वो फायदेमंद रहते हैं। आप देखें कि जो सुबह उठते ही अगर बासी रोटी ले लेते हैं दूध के साथ ले लेते हैं, तो दिन भर की फिक्र, अगर वो दोपहर का खाना लेट भी होते हैं तो उनको फिक्र नहीं होती और उनके एसिडिटी यानी कि अम्ल नहीं बनता है। कामकाजी महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है कि रात को सुबह उठकर उनको जल्दी खाना नहीं बनाना पड़ता, और बासी रोटी अगर 4-5-6 रोटी पूरे घर के लिए जानबूझ के बचा के रख ली और हम सुबह खाएंगे, तो उनकी डायबिटीज जैसे पहले चर्चा कर चुके हैं, अगर आपने गुनगुने दूध में ले ली तो डायबिटीज में फायदा करती है, और अगर आप उसको ठंडे दूध में लेते हैं तो ब्लड प्रेशर ये देखा गया है कि 10 से 20 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर भी कम करती है जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये एक अपने ट्रेंड बना हुआ है जी, क्या सवाल है आपका और नाम बताइए प्लीज। सर आवाज मिल रही है आपको? जी नाम बताइए और सवाल पूछिए। जगदीश जी, जगदीश जी क्या जानना चाहते हैं? बासी रोटी से क्या फायदा है? ठीक है, आपका सवाल अच्छा है। डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, इनका कहना है कि बासी रोटी में आखिर ऐसा होता क्या है कि वो सेहत के लिए फायदेमंद हो जाती है, ये जानने की कोशिश करिए। बिल्कुल, आपने ऐसा लगता है कि जैसे कहीं भी रहते हो, लेकिन बड़ा साइंटिफिक और वैज्ञानिक सवाल पूछा है। आप देखते ब्रेड खाते हम, ब्रेड के अंदर क्या होता है, क्या वो ताजा रोटी होती है, ताजा आटा होता है, उसके अंदर हम उसको खमीर बनाते हैं, खमीर यानी कि ऐसे बैक्टीरिया पैदा करते हैं। दूध के अंदर हम क्या डालते हैं, दही डालते हैं, दही नहीं होता है वो, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो फायदेमंद होता है, वो डेवलप होता है। उसी तरह जब रोटी जो 10-12 घंटे की हो जाती है तो उसमें जो आटे के अंदर अपने आप बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं, वो बैक्टीरिया जो कीटाणु है वो हमारे सेहत के फायदेमंद होते हैं, जैसे हमारे दांतों में, गले में, आंतों में बहुत से फायदेमंद कीटाणु होते हैं, और आप देखें जब किसी को दस्त लग जाते हैं एंटीबायोटिक देते हैं तो साथ में हम उसको लैक्टोबैसिलस देते हैं कि फायदेमंद कीटाणु उस तक पहुंचते रहे, तो ये उसी थ्योरी के आधार पर है कि 10-12 घंटे की रोटी हुई उसमें फायदेमंद कीटाणु डेवलप हुए, वो बड़े और हमने उसको खा लिया, तो हमारे आंतों को फायदेमंद दे रही है, डायबिटीज में मदद कर रही है क्योंकि वो कुछ तरह के अब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर देती है, तो शुगर हमारा मेंटेन रहता है। बिल्कुल, अगले कॉल कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या सवाल है आपका, प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर आपसे मेरा अनुरोध है टीवी सेट का वॉल्यूम कम करिए, उसके बाद अगर आप फोन के माध्यम से जुड़ेंगे तो बेहतर संपर्क हो पाएगा, कोशिश करिए कि आप सिर्फ फोन के माध्यम से ही अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। हाँ जी जी
मैं ये कह रहा हूँ जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है, जिला बुलंदशहर से बोल रहा हूँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, गाँव में फ्रिज नहीं है, ये रोटी जो बासी रोटी करवा कर बर्तन में ढक कर रख दें। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, इनका ये कहना है कि जैसा कि आपने अभी कहा कि अगर फ्रिज में बासी रोटी को आप रख देते हैं ढक कर, दिनेश जी, दिनेश जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, पर अगर आप हाँ बिल्कुल सही कहा है आपने, मैं शुरू के प्रोग्राम के शुरू में कह चुका हूं कि वो अच्छे बर्तन में, साफ बर्तन में ढक के रखी जाए, और आप उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन बंद बर्तन हो, क्योंकि फ्रिज में अगर आपने रखा है तो उसमें कई बार पुराने कीटाणु, खराब कीटाणु भी होते हैं, आप खुला रख देंगे तो कीटाणु आ जाएंगे, तो बंद बर्तन में 10 से 12 घंटे की रोटी होगी वो फायदेमंद हो जाएगी जी। और जैसे मैं एक बार पहले प्रोग्राम रखा था अपन ने, एल्यूमिनियम फॉइल वाला, एल्यूमिनियम फॉइल में न रखें उसको जी। ठीक है सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ सवाल है जान लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए और नाम बताइए। मैडम जी, रामगत मौर्या यूपी से बोल रहे हैं जी, क्या सवाल है आपका? सवाल डॉक्टर साहब से हमारा ये है कि बासी रोटी खाली सादा रोटी जो है वो अब क्या पराठा या इसे पली हुई रोटी जिसे पूरी हुई क्या उसका कर सकते हैं जी? नहीं, वो आपका सवाल ये है कि बासी रोटी, मैंने शुरू में कहा था अगर उसमें घी तेल लगा होगा तो वो आपके डायबिटीज और जो ब्लड प्रेशर की बात है उसमें ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप वो पराठा है तो आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों में इसलिए नुकसान करेगा कि उसके अंदर फैट है, तला हुआ है, और जब वो तला हुआ होगा तो उसमें जो कीटाणु फायदेमंद वाले होते हैं वो उसमें डेवलप नहीं होंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे, तो पराठे नहीं होना है आपको, बिना चुपड़ी हुई हो पराठा नहीं हो, और अगर वो मिस्सी रोटी है तो आपकी फाइबर डाइट भी हो जाएगी, और जैसे आजकल मल्टीग्रेन आटा आने लगा है, कई कंपनियों का आता है, और हमारे प्राचीन काल में बना के भी रखते थे कि चना भी मिला लिया आपने, उसमें जौ भी मिला दी और गेहूं मिला दिया, तो ऐसे आटे की बासी रोटी हो और उसमें चिकनाई ना हो, क्योंकि तो चिकनाई आते ही आपके शुगर वाला जी सर, शुगर बढ़ जाएगी उससे, चिकनाई के कारण कहीं ना कहीं हमको नुकसान होगा। क्योंकि आपका चर्बी जी सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या कुछ सवाल है आपका और नाम भी बताइए। हेलो जी, हेलो जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो सर, आपकी आवाज हम तक आ रही है, सवाल पूछिए। हेलो, मेरा नाम गोपाल बाजपे है, अभी से बोल रहा हूँ जी, क्या सवाल है? सर मेरा ये सवाल है कि मैं, हेलो अपना सवाल बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज हम तक आ रही है, कोशिश करिए एक बार फिर से आप हमसे जुड़े, आपसे बेहतर संपर्क नहीं हो पाया, माफी चाहेंगे, आपका जो भी सवाल है एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िए। अगले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरा नाम मेनेज पात्र है, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, हमारे सवाल है कि बासी रोटी कब में क्या फायदा पहुंचाती है? ठीक है सर, बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, इनका कहना है कि बासी रोटी कब्ज में आखिर क्या हमें फायदा पहुंचाती है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल कब्ज में ये फायदा पहुंचाती है कि अगर आप बासी रोटी लेते हैं तो उसमें वो जो कीटाणु होते हैं, मैंने अभी आपसे कहा था आंतों में हमारे फायदेमंद कीटाणु होते हैं, और दस्त जब लगते हैं और एंटीबायोटिक किसी भी रूप में दिए जाती है तो उसमें हम बैक्टीरिया अलग से देते हैं, बासी रोटी में वो कीटाणु डेवलप होते हैं, और आप जब वो कीटाणु उसके साथ जाएंगे तो वो कब्ज को दूर करेंगे। कब्ज कई तरह से हो सकती है, जैसे केवल आते न चलना, साइकोलॉजिकल वाली कब्ज भी होती है, कई बार कीटाणु वाली, अमीबोसिस वाली कब्ज भी होती है, तो सब में थोड़ा थोड़ा ये फायदेमंद होती है, लेकिन अन्य कारण अगर हो, जैसे उसको अमीबोसिस हो रही है, फाइबर डाइट बढ़िया नहीं लेते हैं, तो इसमें फाइबर भी होता है, रोटी के अंदर मैंने मिस्सी शब्द का यूज किया, तो मिस्सी लेंगे तो फाइबर भी पहुंचेगा, आप दूध ले रहे हैं और दूध और ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके आज दस्त को बढ़ाते हैं और कब्जी को दूर करते हैं, तो कब्जी में भी फायदा करती है ये। एक और कॉलर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ सवाल है जान लेते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी मैम जी, मैं बोल रहा हूँ, मतलब बासी रोटी खाने से क्या फायदा है? बेहद अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर साहब, इनका ये कहना है कि बासी रोटी खाने से आपको फायदा क्या है, अगर वो डायबिटीज से अलग हटके पूछ लेते हैं या कब्ज से अलग हटके पूछ लेते हैं तो हमें अगर कोई समस्या नहीं है तो क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखो आप इसके, आपके एक तो अभी कब्ज वाली बात हो गई, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई,
का, और इसको लेने से जो टेम्परेचर होता है किसी का थोड़ा फीवर बढ़ रहा है, तो आप देखें बासी रोट का एक इस पर एनालिसिस किया गया है कि बासी रोटी ले लेते हैं दूध के साथ, उसका टेम्परेचर भी डाउन होता है। और साइकोलॉजिकल फायदा क्या हो रहा है कि एक महिलाओं में आदत होती है बासी को फेंकना नहीं, बासी को बचा के खा लेना। अगर पूरा घर ही बासी को खा लेगा तो वो चार दिन रोटी नहीं पड़ी रहेगी, तीन दिन नहीं पड़ी रहेगी, ये साइकोलॉजिकल फायदा हुआ। एक फायदा मैंने ये बताया कि आजकल कामकाजी महिलाएं हैं तो स्त्री पुरुष दोनों सुबह ही नौकरी पे जा रहे हैं, बासी रोटी आपने एक्स्ट्रा फ्रिज में रख ली, सुबह दूध आपका तैयार है ही, तो आप 5 मिनट के अंदर अपना नाश्ता करके जा सकते हैं। फिर भले ही आपको लंच आपको 2-3 बजे मिल रहा है, तो खाली पेट के होने वाले जो सुबह के नुकसान है उससे आप बचेंगे। आप ब्रेड और टोस्ट ले रहे हैं उसकी हाइजीन का पता नहीं है कितनी पुरानी है, आपको रोटी का पता है कि आपकी 10 घंटे रात को बनाई हुई आपके हाथ की रोटी है, तो उससे कितना फायदा हुआ कि आपके पैसे भी बचे, आपकी हाइजीन यानी शुद्धिकरण भी रहा, कहीं ना कहीं ये हर तरीके से हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो मैडम, बाजरे की रोटी क्या नुकसान करती है? जी सर, इनका सवाल यह है कि आप गेहूं के बारे में जिक्र कर रहे थे, अगर बाजरे की रोटी सर्दियों में बासी होती है तो क्या उसको हम खा सकते हैं, क्या वो भी उतना ही फायदा करेगी जितना कि गेहूं की रोटी हमें फायदा करती है? बिल्कुल नहीं फायदा, आप ना खाली खाली बाजरे में नहीं करेगी, आप इस मिक्स जो मैंने पहले बताया कि मिक्स ग्रेन होगा मल्टीग्रेन होगा उसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन बाजरे में एक दिक्कत होती है कि बाजरा आपको गांव में तो ताजा मिल जाएगा, आपने अपने हाथ से पिसाया है, आपने घर का बाजरा है, लेकिन अगर वो बाजरा किसी आड़त की दुकान पे 2 साल से रखा हुआ है और अगर बाजार में पिसा हुआ 5-7 दिन पुराना है तो उसमें कीटाणु खराब वाले बहुत जल्दी नुकसान करते हैं, और आपने रोटी बहुत अच्छी तरह गर्म नहीं करी तो कई बार आप देखते हैं कि बाजरे की रोटी खाने के बाद किसी को पेट दर्द हो जाता है, उल्टी हो जाती है, तो बाजरे में खराबी है। मतलब हम कह सकते हैं कि गेहूं की रोटी की तुलना में बाजरा की रोटी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ खानी है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सवाल पूछिए। हेलो जी, हेलो जी, सवाल पूछिए। सर अमृतसर, मैं अमृतसर पंजाब से बोल रहा हूँ जी। बासी रोटी हम तलते खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? जी सर, इनका सवाल यह है कि बासी रोटी को हम तल के खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? वो इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूँ, तलने के बाद उसके कीटाणु खत्म हो जाएंगे, आप खा तो सकते हो लेकिन जो फायदे हैं उसके वो खत्म हो जाएंगे। बासी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उसमें वो 10 घंटे के अंदर फायदे वाले कीटाणु जो हमारे शरीर को चाहिए, आंतों को चाहिए, वो उत्पन्न हो गए। आप जब उसको तलेंगे तो 2 नुकसान हुए, एक तो वो कीटाणु जो है खत्म हो गए और उसमें आपके घी तेल हो गया, तो आप जो डायबिटीज की फायदे की बात थी, ब्लड प्रेशर की फायदे की बात थी और कब्जी की दूर करने की तो बात थी, हमको रोटी तल के नहीं खानी है, जितना भी है उसमें बिना घी और बिना तेल के ही अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहद हमारे लिए लाभदायक होगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हेलो, मेरा अनुरोध है आपसे, कोशिश करिए कि टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम करें, बेहतर संपर्क हो पाएगा आपसे, आपका सवाल हम तक पहुंच पाएगा, उसका जवाब आप तक पहुंचेगा। सवाल पूछिए टीवी सेट का वॉल्यूम कम करने के बाद, बोलिए। माफी चाहेंगे, आपने वही गलती की है जिसके लिए हम लगातार अपने दर्शकों से अनुरोध कर रहे हैं कि टीवी सेट का वॉल्यूम बहुत कम करिए, फिर हमसे संपर्क करिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हेलो जी, हाँ मैडम, जो बासी रोटी का कार्यक्रम चल रहा है जी आपका, जी तो इसमें क्या है, क्या है इसमें, मतलब कितनी टाइम और कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल किया है आपने डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, इनका ये कहना है कि आखिर इसकी विधि क्या हो सकती है इस्तेमाल करने की, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आपका इसका उत्तर अगर शुरू से देखा हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 10 से 15 घंटे पुरानी रोटी हो, जैसे आप रात को खाना आपने बनाया 7-8 बजे, आपने उसको खा लिया 9-10 बजे, तो वो सुबह 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक, यानी 10 से 12-13 घंटे तक, 15 घंटे तक आप उसको रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुद्ध वातावरण में रखी हुई, शुद्ध कंटेनर में रखी हुई, शुद्ध बर्तन में रखी हुई, ढके हुए बर्तन में रखी हुई, बिल्कुल, और वो दूध जो है उसके साथ ले तो ज्यादा फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर अगर वो बासी जो भी सवाल आपने पूछा है उसका जवाब सुबह की और गया होगा कि आपको रोटी कैसे खानी है, बासी रोटी का इस्तेमाल कैसे करना है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, मैं चंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ यूपी से। मेरा सवाल ये है कि बासी रोटी हम
8 से 10 घंटे जैसे कि अभी बताया डॉक्टर साहब ने, तो हम इससे ज्यादा घंटे भी उसको खा सकते हैं, तो उसके क्या फायदे रहेंगे? और दूध के अलावा हम क्या चीज में बनाकर बासी रोटी खा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, सर जवाब दीजिए। बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो बासी रोटी अभी आपको बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दूध के साथ ले सकते हैं, गर्म दूध से ले सकते हैं, गुनगुने से ले सकते हैं, ठंडे से भी ले सकते हैं, आप दही से ले सकते हैं, पर दही में से आप मलाई हटा दीजिए, चिकनाई कम हो जाए उससे ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा जैसे अभी एक दर्शक ने पूछा था कि 2 दिन पुरानी हो गई है, तो वो तल के खा सकते हैं, लेकिन बासी रोटी के फायदे खत्म हो जाएंगे। हमने उस रोटी का उपयोग कर लिया, लेकिन उसके फायदे तभी है जब 10 से 15 घंटे हो, आपने दूध के साथ लिया हो या दही बिना मलाई का हो। दूध में भी आप मलाई का उपयोग ना करें जी। और शक्कर आप न लें, क्योंकि शक्कर जो है आपको डायबिटीज में भी नुकसान करेगी और ब्लड प्रेशर में भी अपरोक्ष रूप से आपका वजन बढ़ाएगी जी। बहुत शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम दर्शकों के जवाब देने के लिए और बासी रोटी के फायदे बताने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि बासी रोटी के आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात, जलाएंगे बत्ती और एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।